एक बिल्ली को रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह बहुत भूखी थी, इसलिए जल्दी से उस टुकड़े की ओर दौड़ी। इससे पहले कि वह टुकड़े तक पहुंच पाती, एक दूसरी बिल्ली ने भी उस टुकड़े को देख लिया। वह टुकड़े के नजदीक ही खड़ी थी, इसलिए उसने लपककर रोटी के टुकड़े को उठा लिया। इस बात पर दोनों बिल्लियां लड़ने लगीं। मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए यह मेरा है, पहली बिल्ली बोली। लेकिन इसे उठाया तो मैंने है, इसलिए यह मेरा है, दूसरी बिल्ली जोर से म्याऊं कहकर बोली। मेरा है, नहीं मेरा है, और इस तरह दोनों जोर जोर से चिल्लाने और झगड़ने लगीं। यह शोर छत पर बैठे एक बंदर ने सुना। वह नीचे उतरा और बिल्लियों से बोला, बिल्लियों तुम लड़ो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बिल्लियाँ बोली, कैसे? बंदर बोला, तुम दोनों इस टुकड़े को आधा आधा बराबर बराबर बांट क्यों नहीं लेती? यह बात दोनों बिल्लियों को अच्छी लगी, लेकिन कौन इस रोटी को बराबर बांटेगा? यह काम मैं करूंगा, बंदर बोला। उसने रोटी हाथ में ली और दो हिस्सों में तोड़ दी, लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा था। बंदर बोला, इन टुकड़ों को बराबर करना ही होगा, नहीं तो तुम दोनों फिर से लड़ने लगोगी। यह कहकर उसने बड़े टुकड़े में से एक भाग तोड़ कर खा लिया, लेकिन यह क्या, अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। उसने इस बार दूसरे टुकड़े में से एक भाग तोड़ा और खा लिया। अब परेशानी यह हुई कि पहले वाला टुकड़ा बड़ा हो गया, तो उसने अब पहले वाला टुकड़ा लिया और उसमें से थोड़ा सा खा लिया। बिल्लियां चुपचाप खड़ी देख रही थी और बंदर को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। देखते देखते बंदर ने एक एक भाग खाते खाते सारी रोटी खत्म कर दी और खो खो करते हुए भाग गया। और बिल्लियां बेचारी क्या करती, उनकी लड़ाई में बंदर ने फायदा जो उठा लिया था।